तीन दिन से यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई बड़ा मीडिया यहाँ आके मतलब हम लोगों के छात्र का अधिकार को नहीं दिखा रहा है। सब जितना बड़ा मीडिया है नहीं बढ़ाएगा सीट, हर एक दिन यहाँ क्रांति होगी, हर एक दिन एक क्रांतिकार नया पैदा होगा अगर नहीं बढ़ाया गया तो। सरकार को बोलना चाह रहे हैं दम है, अगर रोजगार की बात करके चुनाव जीत जाए 25 का लोकसभा 2024 वाला। हम लोग सरकारी से मांगे कम से कम 70,000 वैकेंसी को दिया जाए। PSC एग्जाम से भी ज्यादा टफ हो जा रहा है, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं हम लोग, कब से इंतजार कर रहे थे कि रेलवे की वैकेंसी आएगा और वैकेंसी आया तो इतना ही कम आया कि हम लोग तो रोजगार की बात ही नहीं करनी है ना, वो मंदिर की बात करेंगे आप ऐसे ही जाके वोट दे देंगे। सारी मीडिया भी है, सब तो गोदी मीडिया हो गई है। जो चौराहा है सुबह यहाँ से ही बच्चों ने तिरंगा अपने हाथ में उठाया और ये कहा कि राष्ट्र हमारी। यहाँ पे जो है कुछ बच्चे हमें दिख रहे हैं, ये बताइए तैयारी करने आए हो? नहीं ना, देख के ही छोटे लग रहे हैं आप, तैयारी करने आए हो? जी मैम तैयारी। कैसा आप लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, क्या बात है? प्रोटेस्ट करने से कोई फायदा नहीं हो रहा, नोटिफिकेशन तो और कोई नोटिफिकेशन दिया नहीं जा रहा है, हम वैकेंसी को इंक्रीज नहीं किया जा रहा है। हम लोग का मांगे हैं 56,000 किया जाए वैकेंसी को, बट नहीं किया जा रहा है। तो कुछ तो सुन लिए ना, एज रिलैक्सेशन दे दिया उन्होंने 3 साल के लिए। एज रिलैक्सेशन तो दे दिए हैं बट वैकेंसी को इंक्रीज करेंगे तब तो फायदा होगा हम लोग का। 5600 वैकेंसी में क्या होगा, हम वैकेंसी फॉर्म को भरा जाएगा 80 लाख फॉर्म भरा जाएगा, जो 5600 वैकेंसी है इसमें क्या होगा, कम से कम तो 70,000 वैकेंसी किया जाए। हम लोग सरकारी से मांगे कम से कम 70,000 वैकेंसी को दिया जाए, हम लोग क्या तैयारी करें, इसमें कितना कट ऑफ हाई जाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो UPSC एग्ज़ाम से भी ज़्यादा टफ हो जा रहा है। इतने बच्चे फॉर्म भरेंगे कि ये पेपर बहुत कठिन हो जाएगा। हाँ इतना बहुत ज़्यादा कठिन। हम झारखंड से तैयारी करते हैं यहाँ पे। अच्छा। 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे कि रेलवे की वैकेंसी आएगा और वैकेंसी आया तो इतना ही कम आया कि हम लोग पढ़ने का नहीं मन कर रहा, हम लोग दिन रात टेंशन में रह रहे क्या होगा हमारा, किसको सिलेक्शन होगा, इतना कम स्टूडेंट बहुत ज़्यादा, इतना कम वैकेंसी है। घर पे बात होती है तो क्या कहते हैं? क्या कहते, कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सब लोग निराशा, घर वाला भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं 5600 वैकेंसी है, क्या करेगा, सब लोग घर में बोल रहा है कि आ जाओ घर में कुछ काम करो, ये सब नौकरी नहीं हो पाएगा, इतना कम सीट है कैसे नौकरी हो पाएगा। तो लौट जाएंगे नहीं, अभी सरकारी से मांगे कर रहे, सरकार हमारी पूरी कर देगी तो हम लोग क्यों लौटेंगे, तैयारी करते रहेंगे, हम लोग का सोच है देश के भविष्य है हम लोग ही ना, देश को प्रगति हम लोग ही करेंगे ना, बट ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, 5600 सीट है, हम लोग क्या करेंगे, किसको नौकरी देंगे सरकार। पता ही ये युवा जो है ना वो बोल बोल कर थक गए हैं, तो अब इनको ये लगता है कि कोई सुनेगा तो नहीं, लेकिन तब भी जिंदा हैं तो बोल लेते हैं। आप लोग बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कोई पीड़ा नहीं है क्या आप लोगों को? भाई पीड़ा है, हम लोग नेट का तैयारी कर रहे हैं अभी 11th में। अच्छा, तो ये घाव उनको लगा है इसीलिए आप मुस्कुरा रहे हैं, हो सकता है अगला घाव आप पे लगे तो वो मुस्कुराए। घाव तो अभी नहीं लगा, बस हंसी आ रहा था आप देख कर। क्यों, मैं जोकर हूँ क्या भाई? नहीं, आपका हर न्यूज़ देखते हैं आप, अच्छे लगते हैं। बोल रहे हैं आपको देख के हंसी आ रहा था तो मेरे को डाउट होने लगा। ये बताइए भैया, जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो क्या है, मतलब क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जैसे 3 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई बड़ा मीडिया यहाँ आके मतलब हम लोगों के छात्र का अधिकार को नहीं दिखा रहा है। सब जितना बड़ा मीडिया है सब एक तरह से मान लीजिए सरकार की एजेंडा है, मतलब गुलामी कर रही है, कोई बड़ा मीडिया आके नहीं दिखाता हम लोगों के प्रोटेस्ट से। और आज तो लाठीचार्ज भी हुआ डेली यहाँ से होता है, अगर मतलब 2018 में कितनी वैकेंसी आई थी, मात्र 5,000 वैकेंसी आई है, मतलब छः साल के दौरान। तो मतलब किसको किसको चोट लगा है, लाठी चार्ज लगा, मेरे पास वीडियो भी है, मेरा दोस्त है। ज़्यादा चोट लगी, ज़्यादा चोट वो मतलब दिखाइएगा, मतलब होगा अभी एक का इलाज भी चल रहा है, बहुत 3-4 लाठी चलाया गया एक ही स्टूडेंट पे, तो ये कहाँ तक सही, तो ये मतलब तो स्टूडेंट क्या कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, बैरिकेटिंग तोड़ रहे थे, आंदोलन था कहीं कुछ नहीं, हिंसक बिल्कुल नहीं है, हिंसक आंदोलन। पुलिस क्यों लाठी चलाने लगी, क्या हो गया ऐसा? ये अब उन्हीं को ना मालूम, ये तो तनाशाही हो गया, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ हम लोग यहाँ से सिर्फ एक पैदल मार्च यात्रा निकाले थे, जो हम अपनी आवाज उठा रहे थे, इसमें पुलिस के द्वारा यहाँ भी घेरा गया, मतलब गांधी मैदान के पास लाठी चार्ज किया गया, जिनका लड़कियां भी थी उनको भी चोट। हाँ, बहुत सारी लड़कियां थी,
देखिए बहुत हजारों की संख्या में भीड़ थी, जैसे भगदड़ होगी तो थोड़ा सरकार को सीखना चाहिए। मतलब ये देखिए, आप राम मंदिर बना के 370 हटा के सोचेंगे हर साल चुनाव जीत जाएंगे, तो यूँ थोड़ी ना होता है। आप बेरोजगार दम है इतना, तो रोजगार के दम पे बात करके जीत जाए चुनाव। आइए वहाँ मंदिर में भगवान से प्रार्थना करिए, तभी तो नौकरी मिलेगी। हम इनके खिलाफ हैं, हम भी राम भक्त हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सरकार को बोलना चाह रहे हैं, दम है अगर रोजगार की बात करके चुनाव जीत जाए 25 का लोकसभा 2024 वाला। उनको रोजगार की बात ही नहीं करनी है ना, वो मंदिर की बात करेंगे, आप ऐसे ही जाके वोट दे देंगे। सारी मीडिया भी है, सब तो गोदी मीडिया हो गई है, कोई आवाज ही नहीं उठाता है। तो आप लोग भी तो लास्ट टाइम में जाके उधर ही बात करते हैं ना, आप लोग भी तो भूल जाते हैं। नहीं, हम लोग नहीं करते हैं, वो होता है जो अंधभक्त हैं कुछ उन्हीं से। हम लोगों द्वारा देखिए रोजगार की बात करे कोई भी सरकार, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। ये शाम का समय है और आप समझिए कि ये वाला जो चौराहा है, सुबह यहाँ से ही बच्चों ने तिरंगा अपने हाथ में उठाया और ये कहा कि राष्ट्र हमारी बात नहीं सुन रहा, लेकिन तब भी हम राष्ट्र को अपनी बात सुनाएंगे। वो लड़कियाँ थी जिन्होंने जब वो क्या भूख हड़ताल पे, हाँ भूख हड़ताल, अगर देखिए अगर नहीं बढ़ाएगा सीट, हर एक दिन यहाँ क्रांति होगी, हर एक दिन एक क्रांतिकार नया पैदा होगा अगर नहीं बढ़ाया गया तो, इसे थोड़ी ना होगा। कल भी होगी यहाँ से आंदोलन, देखिए अब कितने दिन करेंगे आप लोग, अगर सामने वाला इंसान नहीं सुनेगा तो क्या करें। मैं मतलब मजबूर हैं, घर से एक यहाँ एक टीचर के एक बैच में 5,000 स्टूडेंट रहता है और 5,000 उनका वैकेंसी आया है, बताइए कहाँ से किसको रोजगार मिलेगा। घर से तंग हैं कोई, हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत नीचे परिवार से, घर में कर्ज लेके यहाँ पढ़ाया जाता है, घर से प्रेशर आता है कब तक पढ़ाई करोगे। तो आप थे क्या जब यहाँ पे जो चीजें हो रही थी, देखा भी नहीं हम, क्या आग बंद कर लिए थे क्या? हम तो अब नए आए तो रूम में थे, हम आग बंद करने क्या बात है, बाहर निकलेंगे तो हमको पता नहीं कौन चौक क्या है, हमको तो पते नहीं है, तो हम क्या हुआ था हमको नहीं मालूम है, क्या हुआ था कब हुआ था ये हमको कोई पता नहीं। पता है गांधी जी के 3 बंदर थे, एक अपना आँख बंद कर लिया था, एक अपना कान बंद कर लिया था और एक अपना मुँह बंद कर लिया था, उसके लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ी थी, आप अकेले ही तीनों का रोल निभा ले रहे हैं। कोई बात नहीं कि ये जो आप ऊंची ऊंची बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके हर एक बिल्डिंग में 5-6 कमरे होते हैं और हर कमरे में 2 या 3 बच्चे होते हैं जो अपने गांव से झोला उठाकर निकलते हैं, तो ये कह कर निकलते हैं कि पिताजी हम जा रहे हैं और अब की बार सरकारी नौकरी लेके ही ये लौटेंगे, और 5-5, 6-6 सालों से ये छोटे छोटे तंग गलियों में बच्चे जो है वो तैयारी करते रहते हैं, लेकिन अफसोस ये कि इन बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाती और जो पद जो आते हैं वो कम आते हैं, तो बच्चे जो है वो कैसे प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी हैं, बात करते हैं। आप लोग कुछ आज वाले प्रोटेस्ट में थे क्या? नहीं नहीं, क्यों आप लोग नहीं भरे हैं, मतलब नहीं, आप लोग का नहीं है ये? नहीं कुछ नहीं। ये नीतीश का बोल रही है क्या? नहीं नहीं, ये जो अभी APO वाला हो रहा था, ALP नहीं नहीं नहीं, हम लोग नहीं जानते इसके बारे में, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है। अच्छा, तो आपका आप लोग उस चीज़ के लिए नहीं आए, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हम लोग हाँ। ये तो वकील है। अच्छा। हम इंजीनियर है और उससे ज़्यादा कुछ भी। देखिए पहले तो ये कि कोई सिंगल पर्सन यहाँ पर खड़े होकर इसलिए नहीं बात करता, क्यों? क्योंकि सबको पता है कि सरकार के पास एक डंडा है, वो है FIR और वो होता है कंप्लेन। अगर कोई बच्चा सामने से आकर सरकार या प्रशासन का विरोध करे तो चेहरा पहचान कर सरकार जो है उसका पूरा जीवन बर्बाद कर देती है, इसीलिए स्टूडेंट जो है वो खुलकर बोलते नहीं, लेकिन अपनी पीड़ा अपने मन में लेकर जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं और अपनी बात करते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये बच्चे जो है वो यही बता रहे हैं कि ये 6 साल बाद इस तरीके की वैकेंसी आती है, और वैकेंसी इतनी कम आती है कि जितने बच्चे हैं उनको तो मुझे नहीं लगता कि एक बार में वो सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा, जितने बच्चे हैं उसका 1% भी वैकेंसी नहीं है। इसलिए बच्चे जो है वो लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर। अभी सुबह यहाँ पर एक मतलब 5,000 के आसपास बच्चे बताए जा रहे थे कि 5,000 के आसपास बच्चे थे जो यहाँ पर अपनी बात को रख रहे थे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हम पटना में हैं और पटना के उस जगह पर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोचिंग है और सबसे ज़्यादा बच्चे भी इसी गली में रहते हैं।